हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वर्षा और आप देख रहे हैं लाइव मंथ। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही टेस्टी सी आलू की सब्जी शेयर करने जा रही हूं, जिसका नाम है आलू जीरा। तो आलू जीरा बनाने के लिए मैंने यहां पे 6 बॉयल आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने 1 घंटे पहले बॉयल करके रख लिया था। आलू अच्छे से ठंडे हो गए तो मैं इनको छील के कट कर लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इनको किसी भी शेप में कट कर लें। तो ये देखिए गाइस, मैंने सारे आलूओं को कट कर लिया है। तो चलिए फटाफट से हम सब्जी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच जीरा डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी भर हींग। जीरे को हल्का सा ब्राउन कलर आने तक पकने देंगे। तो ये देखिए, जीरा जो है वो पहले से हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो मैंने इसमें 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। उसके बाद मैं इसमें डाल ली हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को इसमें मिक्स कर देंगे और उसके बाद मैंने जो ऑयल आलू को कट करके रखा था उनको डाल देंगे। इस आलू को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें इसमें थोड़े से पाउडर वाले मसाले डालेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और 1/2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। थोड़ी सी कसूरी मेथी को इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर डालना भूल गई हूँ, जिसको कि मैंने बाद में डाला है। आप यहीं पर इसमें अमचूर पाउडर भी डाल लें 1/2 चम्मच। सारे मसालों को अच्छे से आलू के साथ में मिक्स कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे खोल के पकाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सब्जी को 2 मिनट के लिए पका लिया। यहाँ पे मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भूल गई थी। अमचूर पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी खूब सारा धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल के भी इसको मिक्स कर देंगे। या हमारे चटपटे से आलू जीरा बन के बिल्कुल तैयार है। गैस ऑफ कर दें और इसको सर्व कर लें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही न्यू रेसिपी देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में दिए गए बेल बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।